कर व्यक्तिगत वित्त का एक अनिवार्य हिस्सा है और सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए उनके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम उन तरीकों का पता लगाएंगे जिनमें कर व्यक्तिगत वित्त को प्रभावित कर सकते हैं और उनके प्रभाव को कम करने के लिए युक्तियां और रणनीतियां पेश करेंगे। चरण 1, कराधान को समझना। कर आय वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी शुल्क हैं जिनका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को निधि देने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत वित्त में कर आय निवेश और व्यय को प्रभावित कर सकते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न प्रकार के कर जैसे आयकर, पूंजीगत लाभ कर और बिक्री कर कैसे काम करते हैं और वे आपके वित्त को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। चरण 2, कर योजना रणनीतियां। व्यक्तिगत वित्त में करों के प्रभाव को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक कर नियोजन के माध्यम से है। इसमें कर कटौती, क्रेडिट और डिफरल के साथ साथ रणनीतिक निवेश और सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेना शामिल है। उदाहरण के लिए 401k या IRA जैसे कर सुविधा वाले सेवानिवृत्ति खाते में योगदान कर योग्य आय को कम कर सकता है और लंबे समय तक करों पर बचत कर सकता है। चरण 3, कर कानून में बदलाव को समझना। कर कानून और विनियम बार बार बदल सकते हैं और व्यक्तिगत वित्त को प्रभावित करने वाले किसी भी बदलाव के बारे में सूचित रहना महत्वपूर्ण है। टैक्स कानूनों में बदलाव जैसे कि नए टैक्स ब्रैकेट, कटौतियां या क्रेडिट आय और व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। कर कानूनों के साथ अप टू डेट रहने से आपको सूचित वित्तीय निर्णय लेने और कर बचत के किसी भी अवसर का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। चरण 4, पेशेवर मदद लें। यदि व्यक्तिगत वित्त में करों को नेविगेट करना भारी लगता है तो कर पेशेवर से मदद लेने पर विचार करें। एक कर पेशेवर आपकी कर देनदारियों को समझने, कर बचत के अवसरों की पहचान करने और कर नियोजन रणनीतियों पर मार्गदर्शन प्रदान करने में आपकी सहायता कर सकता है। वे कर तैयार करने में भी सहायता कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सभी लागू कर कानूनों और विनियमों का अनुपालन कर रहे हैं। व्यक्तिगत वित्त में कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ऐसी रणनीतियां हैं जिन्हें उनके प्रभाव को कम करने के लिए नियोजित किया जा सकता है। ये समझना कि कर कैसे काम करते हैं, कर नियोजन रणनीतियों का लाभ उठाना, कर कानून में बदलावों के बारे में सूचित रहना और पेशेवर मदद लेना सभी कर देनदारियों को कम करने और व्यक्तिगत वित्त में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक व्यक्तिगत वित्त युक्तियों और अंतर्दृष्टि के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।